कल मनीष सिसोदिया को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी यानी कि आबकारी नीति वाले मामले में अरेस्ट किया, तो आज बीजेपी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बेहद करीब ये धरना प्रदर्शन चल रहा है बीजेपी का, और आप देख सकते हैं किस तरह से डमी जेल बनाई गई है, तिहाड़ जेल बनाई गई है, और जेल के अंदर मनीष सिसोदिया का मास्क पहने हुए एक व्यक्ति खड़े हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरफ अगर आप आएंगे, दूसरी तरफ तो यहाँ एक और डमी बनाया गया है जिसमें सत्येंद्र जैन आपको दिखाई देंगे, एक व्यक्ति है जिसने सत्येंद्र जैन का मास्क पहन रखा है और उनको लगातार मालिश मिल रही है। आप भैया क्या कर रहे हैं? आप मालिश कर रहे हैं? मास्क पहने हुए यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। तो साफ तौर पे दिल्ली में ऑप्टिक्स की राजनीति इस वक्त जोरों पर है। जहाँ पोस्टर वॉर हमने अब तक देखा था बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, वहीं दूसरी तरफ इस तरह से कुछ अनोखा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए एक एफजी है जो महिला कार्यकर्ता लेके आई है जिसमें मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का चेहरा लगा हुआ है। ये आपने बनाया है? हमने बनाया है। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये तीनों दारू में जो घोटाले करे हैं, इन तीनों को, इनके जितने मिनिस्टर हैं, इनको जेल में जाना चाहिए। अभी तो दो गए हैं, अब केजरीवाल की बारी है, इसलिए मैं तीनों का फ्रेम बना के, इनकी सच्चाई का फ्रेम बना के जेल में डालने के लिए लाई हूँ। और इसी तरह से अनूठे तरीके से बीजेपी आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। एक और छोर पे हम आपको एक और डमी जेल दिखाएंगे जो बीजेपी ने बनाया है। ये सब कुछ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हो रहा है जहां आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है, और बीजेपी लगातार पिछले कई महीनों से आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, आबकारी नीति की वजह से हमला कर रही है। और यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा सा जेल का डमी बनाया गया है जिसमें अरविंद केजरीवाल का मास्क पहने एक व्यक्ति को खड़ा किया गया। तो साफ तौर पे बीजेपी अब सीधा सीधा निशाना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साध रही है, और आबकारी घोटाले मामले में जांच की प्रक्रिया के दौरान अब दिल्ली बीजेपी मांग कर रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमला कर रही है, कह रही है कि नए दौर के कुछ हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझ रहे हैं और प्रहलाद यानी कि मनीष सिसोदिया को प्रताड़ित किया जा रहा है। यानी कि दिल्ली में पोस्टर वॉर से जो लड़ाई शुरू हुई थी, अब अलग तरह के अनूठे तरह के विरोध प्रदर्शन में वो जाहिर किया जा रहा है।